निर्मला दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर हुआ क्या था? प्रीतो, ये तुम्हारी चुमकी कितनी सज रही है, लाला से बनवाई है? नहीं, ये तो भैया लाए थे लाहौर से। वहां सराफा बाजार है ना, और शहालमी। वाह, बहुत ही प्यारी हैं। हटो रही लड़कियों, नजर उतारने दो। नजर लगी मेरी लाडली को। शाहूकार, बिटिया को नजर लग गई है। ये लो, इनको दहकते अंगारों में डाल देना, नजर उतर जाएगी। क्यों ना नजर लगे, ऐसी है हमारी निर्मला खान की दी गुड़िया, जैसे विलायती मेम के जैसी। इसीलिए मैं देखती हूँ, नाजुक चीज की हिफाजत करना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ ना, तो हम कब इनकार करते? सनीचर को ले जाएंगे अपनी गुड़िया को। तो आप इसलिए परेशान हैं, परंतु दीवानचंद जी, ये आपका वहम ही ना हो। बात वहम की नहीं है लालचंद जी, क्या आपको शहर की खबरें नहीं मिल रही? कैसी खबरें? सुना है कि जहां मुस्लिम लीग जीतेगी वहां मुसलमानों की हुकूमत हो, और आप तो ये जानते हैं इस इलाके में तो मुसलमानों की अक्सरियत। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि बच्चियों को जलंधर भेज दो। यानी दोनों लड़कियां? नहीं नहीं, चारों बच्चियों, तीन मेरी एक प्रीतम बेटी, दो लड़के। लेकिन ये सब शादी के बाद ही मुमकिन होगा। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। इसी कारण मैंने सनीचर का कहा था, निमो बेटी को भी मेरी तरह कोई खौफ खाया जा रहा है। बस सब कुछ अब आपके हाथ में। आप शर्मिंदा कर रहे हैं दीवानचंद जी, टेकचंद आपका बेटा है। हमने तो सोचा था कि सब काम बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन बात आपकी भी सच्ची है, मन को लगती है। आपकी कृपा, आपने मेरी बात रख ली। बस बच्चे एक बार जलंधर चले जाए, हम बुड्ढों को किसका डर है। बस तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, बारात शनिचर को ही आएगी। धन्यवाद। चंदू, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को?
बाहर जा रहा हूँ माँ, दरवाज़ा बंद कर लेना और फोड़ा लगा लेना। जल्दी से सनीचर आ जाए, मैं घर में माता की पूजा रखवाऊंगी। भगवान रहम करते हम पर।